गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बिल्कुल बढ़िया हैं क्या? आज की वीडियो में हम लोग PPO स्पोर्ट एडमिशन, यानी आप पटना के किसी भी कॉलेज में स्पोर्ट एडमिशन करवाना चाहते हैं या फिर बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी कॉलेज में आप स्पोर्ट एडमिशन करवाना चाहते हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखिएगा। कंप्लीट वीडियो है, वीडियो में सारी बातें कवर होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आई सेल्फ, मैं अपने बारे में यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, यूट्यूबर हूँ, और आप लोग यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं उससे मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज क्या क्या बात होने वाली है, जैसे कि टोटल 8 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं हम लोग, तो वीडियो कंप्लीट होने वाली है, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। स्पोर्ट एडमिशन का बेसिक समझेंगे, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड कैसे अप्लाई करना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ सजेशन टिप्स दिया जाएगा आपको मेरी तरफ से। ठीक है, आपके जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। स्पोर्ट एडमिशन क्या सही है, क्या रिस्क लेना चाहिए या नहीं, ये भी बात होगी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कैसे कर सकते हैं, उसकी भी बात होगी। स्पोर्ट एडमिशन होता क्या है समझ लो पहले, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कैसे करेंगे अप्लाई। तो स्पोर्ट एडमिशन देखो एक तरीके का एडमिशन का प्रोसेस ही है। टाइप्स ऑफ एडमिशन में एक तरीके का एडमिशन इस प्रकार से भी लिया जाता है हर कॉलेज में, और ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट एडमिशन जो है सिर्फ ग्रेजुएशन में होता है। ये आपके पोस्ट ग्रेजुएशन PG में, 11th क्लास में, BEd में, MBA में, सब जगह होता है। तो स्पोर्ट एडमिशन एक प्रोसेस है जिससे एडमिशन लिया जाता है। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है, समझना, स्पोर्ट एडमिशन इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एडमिशन। यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से लिखा है इस वर्ड को, आप चाहे तो इसको देख लें, सीट लूटो एडमिशन, ये मेरा वर्ड है, ऐसा मतलब मैंने बनाते टाइम लिखा है। सीट लूटो एडमिशन मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, समझ रहे हो, पहले आओ पहले पाओ, ये मतलब होता है इसका सीट लूटो एडमिशन। यानी अगर आप स्पोर्ट एडमिशन स्टार्ट हो गया है और आप लेज़ी हैं, आपने लेट कर दिया, तो आपके हाथ से ये एडमिशन चला जाएगा। तो इसमें लेट करने की गुंजाइश नहीं रहती है, जैसे स्पोर्ट एडमिशन निकलता है आपको करवाना होता है। ठीक है, तो स्पोर्ट एडमिशन और डायरेक्ट एडमिशन, सीट लूडो एडमिशन, और जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो क्या करेंगे, स्पोर्ट एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, यानी बचे हुए सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट करवाई जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसी को स्पोर्ट एडमिशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी नोटिस ऑलरेडी आउट हो चुकी है। हालांकि PPU में मैं बात करूँ तो PPU में स्पोर्ट एडमिशन कब से होगा इसकी कोई ऐसी डेट अभी तक जारी नहीं करी गई है PPU की तरफ से, जैसे ही आती है मैं आपको नोटिस दूंगा। फिलहाल आप अंदाज़ा लगाइए कि इस मंथ से स्टार्ट हो जाएगा स्पोर्ट एडमिशन, यानी जुलाई से, और अगस्त तक चलेगा। ठीक है, स्पोर्ट एडमिशन की जो ड्यूरेशन है मैं उसकी भी बात करूंगा कि स्पोर्ट एडमिशन कितने दिनों के लिए रहता है, इसकी लास्ट डेट क्या होती है, सब बात होगी, लेकिन वीडियो को आगे हम लोग इसका चर्चा करने वाले हैं, तो अभी यहां रहने देते हैं। तो स्पोर्ट एडमिशन क्या होता है आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड है एलिजिबिलिटी, पहले जान लेना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा कि स्पोर्ट एडमिशन आपके लिए है कि नहीं है। तो एलिजिबिलिटी में सबसे बढ़िया, सबसे इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी ये होना चाहिए कि आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है, यानी 50% एवव आपके होने चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास, बस यही आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, बाकी सब तो मैंने यूं ही लिख रखा है, जिसको मैं एक बार देख लेता हूं कि क्या क्या आपके लिए लिखा है। जैसे कि सीट अवेलेबिलिटी भी चेक करना ज़रूरी है, जैसे कि आप स्पोर्ट एडमिशन करना चाहते हैं किसी भी कॉलेज में, ठीक है, किसी भी कोर्स के लिए, तो आपको सीट चेक करना ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बिना सीट देखे अप्लाई करते हैं, तो वैसे में आप खुद का नुकसान करेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी कॉलेज में, ये ABC कॉलेज का नाम है, ठीक है, इस कॉलेज में हिस्ट्री की सीटें बस बच रही है 10, लेकिन अप्लाई कर दिए हैं 100 लोग, तो क्या 100 लोग का एडमिशन हो पाएगा? जितनी सीटें उतनी ही एडमिशन होगी ना, तो आप सीट ज़रूर देख लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड वाला देखिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉमन सेंस है ये, कि अगर आप एक नाव पे दो सवारी कर रहे हैं, मतलब एक आदमी हैं, आप दो दो चीज़ें के लिए अप्लाई कर दिए हैं, तो आपको दिक्कतें आएंगी। जैसे कि अभी 2023 से 27 सेशन की एडमिशन चल रहा है, राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, बहुत सारे स्टूडेंट पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिए हैं और उनका वैलिडेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हो चुका है, अब वो PPU में भी स्पोर्ट एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी कॉलेज में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं और अब इधर आप स्पोर्ट एडमिशन के लिए अप्लाई इधर भी करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं, आप एलिजिबल ही नहीं हैं। ठीक है, तो सेम सेशन के लिए आप दो जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
फोर्थ एलिजिबिलिटी यही है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो चाहिए एडमिशन के लिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है मैं आगे बात करूंगा वीडियो में, बस बने रहो। उसके बाद स्पोर्ट एडमिशन में बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आपने PPO का फॉर्म जब निकला था मई में भरा था तभी आप एडमिशन ले पाओगे, ऐसे नहीं ले पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया था मई में निकला था मई 2023 में तो भी ठीक है, अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था तो भी ठीक है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे आगे मैं बात करने वाला हूँ। कोर्स वाइज रिक्वायरमेंट आप लोग चेक कर लेना तभी अप्लाई करना, और ये सब बेसिक चीज़ें हैं यार, आपको पता होगा। जैसे कि BSc करना चाह रहे हो तो कोई कॉमर्स का बच्चा BSc क्यों करेगा? BSc करने के लिए आपके पास साइंस स्ट्रीम होना चाहिए प्रीवियस क्लास में, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी कॉमर्स करने के लिए, BCom करने के लिए और अदर कोर्सेज करने के लिए आप सब में एलिजिबल होते हैं, साइंस वालों का थोड़ा सा रहता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, देखते हैं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो हाउ टू अप्लाई फॉर स्पोर्ट एडमिशन, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है वीडियो का, वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहीं पर ध्यान देना है आप सभी को। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करने के लिए देखो, ये जो स्पोर्ट एडमिशन का पूरा प्रोसेस है, मान लीजिए स्पोर्ट एडमिशन है तो इसमें 4-5 स्टेप लिया जाता है। ये प्रोसेस ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कॉलेजेस। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि ऑनलाइन कैसे होगा, ऑफलाइन कैसे होगा, और ये जुलाई अगस्त में होगा ये मैंने बताया आपको, इसका कोई अभी डेट फिक्स आया नहीं है, आएगा तो मैं नोटिस जरूर दूंगा। सबसे पहले पहला प्रोसेस है कि आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। अब बोलोगे भैया मैंने तो एक बार फॉर्म भर दिया है, फीस भी दे दिया है, मैं फिर से फॉर्म अप्लाई करूँ? नहीं, जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, जिनको ऑलरेडी ID पासवर्ड मिल चुका है, वो उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपने ऑलरेडी अगर कर रखा है तो आप लोग अभी शांत रहो। जिन्होंने नहीं किया है, जैसे कि PPU का जब फॉर्म निकला था तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाए थे ऑनलाइन अप्लाई, तो ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेंगे तो उनका तीनों लिस्ट में नाम भी नहीं आया, अब वो क्या करें? तो स्पॉट एडमिशन के लिए उनके लिए भी यहाँ पे प्रावधान है कि आप कर सकते हैं स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई। तो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो आपके लिए 102 दिन तक टाइम दिया जाता है, इस 2 दिन के अंदर आपको ऑनलाइन फॉर्म जो भराता है PPU के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आप लोग ऑनलाइन फॉर्म सारा बाकायदे से भर लेना, खुद से नहीं आता है तो साइबर कैफे से भरवा लेना। फिर आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, और जिन्होंने ऑलरेडी फिल कर रखा है उन सभी के लिए चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है फॉर्म फिलअप होना चाहिए, आपका रजिस्टर होना चाहिए, आप PPU का स्टूडेंट होने चाहिए, आपको आपके पास ID पासवर्ड होना चाहिए, पहला स्टेप। अब ID पासवर्ड मिलने के बाद क्या करते हो, ID पासवर्ड के साथ खेलोगे तो नहीं ना, आपको ID पासवर्ड का काम कहाँ पे आता है, लॉगिन करने के लिए। जैसे कि फेसबुक का ID पासवर्ड होता है तो वहाँ पे भी लॉगिन करते हो, इंस्टाग्राम में भी लॉगिन करते हो, अब PPU में लॉगिन करना है आपको। तो ID पासवर्ड मिलने के बाद यहाँ पे आपको PPU में लॉगिन करना पड़ेगा। आपको एप्लीकेशन, आप लॉगिन कैसे करेंगे आपको पता होगा, अभी तक आपने जान लिया होगा, PPU की वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन करके, पहले तो एडमिशन पोर्टल पे जाना, एडमिशन पोर्टल पे जाओगे एप्लीकेंट लॉगिन रहेगा, वहाँ पे लॉगिन कर लेना, आपका इन्फॉर्मेशन सारा आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, वहीं पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। क्या डाउनलोड करना है सर? तो डाउनलोड 2 चीज़ें आपको करनी है, एक है ऑफर लेटर, ठीक है, ऑफर लेटर आपको डाउनलोड करना है, दूसरा है एप्लीकेशन लेटर या फिर एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने अप्लाई किया था तो अप्लाई करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हुआ होगा तो वो वाला एप्लीकेशन फॉर्म, और स्पोर्ट एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो आपके लिए ऑफर लेटर। तो ये दोनों चीज़ें आपको डाउनलोड करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये दोनों। क्यों? तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके आपको पढ़वाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। द स्टूडेंट विल हैव टू सबमिट बोथ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे अगर आप स्पोर्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो, ठीक है, कॉलेज में, और जिस भी कॉलेज में आपका मन है तो कॉलेज में जाके ये दोनों सबमिट करिएगा। और वो जो ब्लैंक ऑफर लेटर होगा, ब्लैंक ऑफर लेटर, वो 2 कॉपी आपको दी जाएगी, ऐसा मतलब समझो ये आपका एक ऑफर लेटर, आप PDF डाउनलोड कर लिया तो ऊपर में रहेगा फर्स्ट पार्ट, नीचे में रहेगा सेकेंड पार्ट, एक पार्ट कॉलेज के लिए रहता है, दूसरा पार्ट स्टूडेंट के लिए रहता है, तो एक पार्ट कॉलेज ले लेती है, दूसरा पार्ट स्टूडेंट के पास रह जाता है। तो ऑफर लेटर जो ब्लैंक वाला होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, और एक कॉलेज में जाता है, एक आपके लिए होता है। तो यही लिखा गया है कि देखो, ब्लैंक ऑफर लेटर विल बी अवेलेबल इन 2 पार्ट्स, ठीक है, अपर पार्ट्स विल बी फॉर द स्टूडेंट, ऊपर वाला जो पार्ट है वो स्टूडेंट के लिए, और सेकेंड पार्ट जो नीचे वाला पार्ट है वो कॉलेज में जमा होता है, और कॉलेज में जैसे ही आप जमा करेंगे सेकेंड पार्ट तो उसका रिसीप्ट वगैरह आपको ले लेना है कॉलेज से, ठीक है। तो ये हुआ, ये लॉगिन करना है। अब आते हैं थर्ड प्रोसेस पे, आपने ये करा, लॉगिन करके सारा काम कर लिया ऑनलाइन,
अब ऑनलाइन करने के बाद ऑफलाइन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है आपका, आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा स्पॉट एडमिशन लेने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा सीट लूटो एडमिशन है, तो आपको जितना जल्दी आप हो सके कोशिश करना कॉलेज जाना है आपको एडमिशन करवाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि इमीडिएटली, इमीडिएटली का मेरा मतलब यही है कि आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको जाना है एडमिशन करवाने के लिए। ठीक है, तो कॉलेज आपको विजिट करना है लॉगिन करके, जो आपने ये दोनों डाउनलोड किया है ना, ये दोनों लेकर के। और ऐसा नहीं है कि आप बस ये दोनों लेकर कॉलेज जाएंगे, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले एडमिशन में, जैसे कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, 10th 12th का मार्कशीट आपसे मांगा जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आपके मोबाइल नंबर लगने वाला है, ईमेल लगने वाला है, ये सारी चीज़ आपको लगेगा। तो कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज क्यों जाओगे, स्पॉट एडमिशन करवाने जाओगे तो ये सारा चीज़ लेके जाना ना, खाली हाथ थोड़े जाना है। ये दोनों डॉक्यूमेंट तो जरूरी है ही, बाकी और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जरूरी है। ठीक है, तो ये कॉलेज विजिट करना है। कॉलेज जैसे ही विजिट कर लेते हो तो आपका कॉलेज में क्या होता है कि आपका एडमिशन जो है, जिस भी सीट पे आपको जूलॉजी लिया, आपने जो भी कोर्स लिया है उस कोर्स के लिए कॉलेज अगर सीट खाली होगा तो आपको एडमिशन कर देगी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, बात को समझना। कुछ कॉलेज क्या करती है, मेरिट निकालती है। जैसे कि आपने अप्लाई किया एन कॉलेज के लिए, आपने स्पॉट एडमिशन अप्लाई किया, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही स्टूडेंट ने एन कॉलेज के लिए किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने किया होगा ना, बहुत सारे स्टूडेंट ने एन कॉलेज को चुना होगा स्पॉट एडमिशन के लिए। तो एन कॉलेज क्या करती है, उन सभी स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करके एक लिस्ट निकाल देती है कि इन इन लड़कों का आपका नाम आया है लिस्ट में, आप आकर के स्पॉट एडमिशन करवाइए एन कॉलेज में। और ऐसा नहीं है कि एन कॉलेज ही ऑनलाइन इस तरीके से लिस्ट निकालता है, सारे कॉलेज ऐसे हैं जो कि मेरिट लिस्ट के थ्रू एडमिशन लेती है। फॉर एग्जाम्पल आरकेडी कॉलेज में भी पिछले साल ऐसे ही हुआ था, मेरिट लिस्ट निकाला गया था स्पॉट एडमिशन के लिए। आप देख लेना, आप जिस भी कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है या मेरिट लिस्ट निकल के एडमिशन हो रहा है। ठीक है, अगर फिर भी डाउट है कि मेरे कॉलेज में किस प्रकार से एडमिशन हो रहा है, तो आप लोग बस हमें डाउट पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे। और कुछ कॉलेज क्या करती है, आपका जो है नोटिस निकालेगी कि लिस्ट में आपका आपका नाम आया, तो ये नोटिस आपका निकल गया। नोटिस निकलने के बाद अगर आपका नाम है तो आप कॉलेज जाना, कॉलेज में जाके आपको ये पेमेंट करना होगा, पेमेंट करिएगा ऑनलाइन। कुछ कॉलेज ऑनलाइन पेमेंट लेती है, कुछ कॉलेज चालान के थ्रू पेमेंट लेती है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट मोड होता है, तो जो होगा आप कॉलेज वाइज देख लीजिएगा। उसके बाद आपको घर भेज दिया जाएगा, बोलिएगा, बोला जाएगा कि वेट करो, आपका एडमिशन का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। अब फिर उसके बाद ये अगला प्रोसेस हो जाता है, ये सब करने के बाद वेट करना है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट निकाला जाता है कॉलेज की तरफ से। अगर आपका एडमिशन इधर हो गया तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगला स्टेप है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज आपके डेट निकालेगा, उस डेट को आपको कॉलेज फिर से जाना है। एक बार आपने कॉलेज गया एडमिशन करवाने, दूसरा बार आपको कॉलेज जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका अगला प्रोसेस होता है वैलिडेशन। ये आपको नहीं करना होता, ये कॉलेज करती है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर करती है। कॉलेज क्या करती है, आपको वैलिडेट कर देती है, और ये जो एडमिशन कमिटी है पीपीयू का, वहाँ पे आपका सारा डाटा भेज देती है, और पीपीयू आपका फाइनली एडमिशन जो है कंफर्म कर देता है, और फिर आप पीपीयू के स्टूडेंट कहलाने लग जाते हैं। तो ये वैलिडेशन कौन करता है, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज दोनों मिलके। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, तो आपको ऑफर लेटर, एप्लीकेशन लेटर जैसा कि मैंने बताया, 10th 12th का मार्कशीट, 12th क्लास का, अगर आप यूजी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो 12th वाला लगेगा, अगर आप पीजी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन वाला लगेगा। मैं यूजी के लिए खासकर बता रहा हूँ कि आपको ये सब लगने वाला है, 12th का सीएलसी माइग्रेशन ओरिजिनल लगने वाला। और एक चीज़ मैं ये कहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं, आप क्या करना ना, ये सारा ओरिजिनल लगने वाला है, ओरिजिनल कॉलेज जामा लेने वाली है, तो क्या करो, सबका एक अच्छा सा फोटो खींच करके अपने मोबाइल में रख लो, क्योंकि फ्यूचर में माइग्रेशन अपलोड करना रहेगा वेबसाइट पे, तो कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो फोटो सबका रहना चाहिए आपके मोबाइल में, सबका फोटो अच्छे से रख लो, आपका जमा होने वाला है। 12th का जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो नहीं लेगा, इसका फोटो कॉपी ले जाना, माइग्रेशन का ओरिजिनल ले लेता है, माइग्रेशन ओरिजिनल लेता है बस। ठीक है, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन वाले हैं जैसे कि जनरल को छोड़ करके सब, और जनरल में भी आप EWS वाले हैं तो उन सभी का भी कास्ट सर्टिफिकेट होता ही होता है आपके पास। अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो आपके पास भी होगा आपका सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आपको लग जाते हैं। ठीक है, डोमिसाइल कई कई बार नहीं मांगा जाता, ये फालतू है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपके पास बेसिक आइडेंटिटी आपसे मांगी जाती है, जैसे कि आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और ईमेल और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर जो दीजिएगा हमेशा जो अभी एक्टिव है, ऐसा नहीं कि 100 साल पुराना मोबाइल नंबर दे रहे हो, ऐसा नहीं करना, जिसपे मैसेज जा सके। अगर यूनिवर्सिटी आपको कुछ मैसेज भेजना चाहती है तो आप जिस नंबर अगर चालू रहेगा तो मैसेज तभी जा पाएगा ना आपके पास, अब खराब
मोबाइल नंबर दे दोगे तो मैसेज पहुंच ही नहीं पाएगा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे है, अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप सभी का मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या होगा अगर एक कॉलेज में सीट फुल हो जाता है। जैसे कि कोई लड़का है, एन कॉलेज के लिए अप्लाई किया है, अब वहाँ पे सारे सीटें फुल हो गई सभी कोर्स के लिए, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है। ज़रूरी थोड़ी है कि एन कॉलेज में फुल हुआ है तो बाकी सब कॉलेज में भी फुल हो गया होगा, नहीं, बाकी सारे कॉलेज में खाली रह जाता है। एन कॉलेज में फुल क्यों होता है जानते हो? क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है, लोग इस पे ज़्यादा, मतलब एन कॉलेज को ज़्यादा चढ़ा बढ़ा लिए, बाकी कॉलेज को पूछते भी नहीं है, तो बाकी कॉलेज में सीटें खाली रहती है, वहाँ पे आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मैनी राउंड्स, और ये प्रोसेस जो है इसका ड्यूरेशन कितना होता है, ये इसका मैं बताना चाहूँगा। तो ड्यूरेशन है, सीट अवेलेबल कितना है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। मान लीजिए कोई कॉलेज में 500 तो ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए 100 सीटें अवेलेबल थी, जिसमें से स्पोर्ट एडमिशन स्टार्ट हो गया, तो पहले स्पोर्ट एडमिशन में क्या हुआ, मात्र 90 सीटें ही फुल हो पाया, 10 सीटें अभी भी वैकेंट है, तो अगला राउंड भी चालू किया जाता है। अगर सीट खाली रह जाती है ना, तो स्पोर्ट एडमिशन 2-3 फेज में लिया जाता है, लेकिन चांसेस बहुत कम रहते हैं कि सीटें खाली रहे, ठीक है। कुछ कुछ कॉलेज में रह जाता है खाली, तो वो लोग 2-3 राउंड करवा देते हैं, और स्पोर्ट एडमिशन का जो रहता है ना, एक वीक के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाता है। तो आपका लास्ट डेट मत पूछना, जैसे ही आपका स्पोर्ट एडमिशन का एडवर्टाइजमेंट आता है, आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना, और 2-3 दिन के अंदर आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर नहीं करते हो तो स्पोर्ट एडमिशन से भी वंचित रह जाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा क्वेरी रहता है, सर मेरा एडमिशन हो गया है, मैंने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया था कोई कॉलेज में जो कि मेरे घर से बहुत दूर था, लेकिन मैं वहां पे एडमिशन ले लिया हूं, अब मैं वहां का एडमिशन कैंसिल करके अब स्पोर्ट एडमिशन के तहत मेरे घर के पास वाला जो कॉलेज है वहां लेना चाहता हूं, तो क्या मैं ले सकता हूं? तो जी हां, आप ले सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले जहां एडमिशन लिए तो वहां कैंसिल करवाना पड़ेगा। अब देखो एडमिशन कैंसिल करवाना बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो शायद ही आपका एडमिशन आपके घर के पास वाले कॉलेज में हो पाए, लेकिन एडमिशन कैंसिल करा करके अगर हो पाता है तो आप इधर स्पोर्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और स्पोर्ट एडमिशन के लिए वो सभी लड़के अप्लाई कर सकते हैं जिनका किसी कारणवश मातम मम्मी पापा का नाम गलत हो गया, या फिर आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया है कॉलेज, आपका एडमिशन रद्द हो गया है, सब लोग अप्लाई करो। और जो कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो एडमिशन कैंसिल करवा के आओ, फिर करना अप्लाई, ठीक है। हम लोग से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम का ये ऐसे सर्च करना, टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा, उसमें 48,000 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप लोग भी जुड़ सकते हैं। ईमेल है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी इस तरह से सर्च करना, आपको इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, 10,000 से ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम पे भी जुड़े हुए हैं। उसके बाद मेरा घर तो राजगीर है, आप जानते ही हैं। उसके बाद देखो ये सारे हमारे PPU टीम है जो कि आप लोग की मदद के लिए हमेशा आगे रहती है, आप लोग की हेल्प करते रहती है बिना कोई मॉनेटरी गेन के। ये एनोनिमस एडमिन है, टेलीग्राम ग्रुप इन्हीं का है। उसके बाद आप देखो सत्यम जी हैं, और मतलब जो भी आपको एडमिन अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर और भी 10-15 एडमिन हैं, तो 10-15 फोटो तो यहाँ पर नहीं लगा सकता था ना, 4 ही फोटो था, तो आपको और सारे ढेर सारे एडमिन हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे, आप अगर हेल्प मांगते हैं तो, ठीक है। टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। उसके बाद थैंक यू भाई, आप लोग ने वीडियो इतना पेशेंस से देखा, आपने चीज़ों को समझा, ठीक है, बाकी आप सभी को धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई दिक्कत है तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही।